हाय, मैं हूँ मधुपाल वोरा और वन कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने साड़ी पहनाने को एक बहुत बड़ा करियर बनाया। हमारी मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर कई सारी बॉलीवुड अभिनेत्रियों को उन्होंने साड़ी पहनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कल्पना शाह जी की, जिन्होंने इस टैलेंट को बहुत अच्छे तरीके से उभारा और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। कल्पना जी, वन कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, जिस तरह की आपकी साड़ी है, जिस तरह से आपने पहना है उसे, बहुत ही कमाल का पहना है। थैंक यू। जानना चाहेंगे ये कैसे शुरुआत हुई इस करियर की। कई सालों पहले हम सूरत रहते थे और वहाँ मैं डांसिंग करती थी, तो मुझे एक डांसिंग का ही शौक था उस जमाने में। वहाँ हमको ऐसे तैयार भी करते थे, तो बचपन से थोड़ा थोड़ा तो रूट्स आया था कि कैसे तैयार करना, कैसे रहना, किस तरह से दुपट्टा पहनना। फिर पापा का इधर आना हुआ मुंबई में, उस दफ़े भी मैंने मेरी डांसिंग जो थी भरतनाट्यम डांस, वो मैंने कंटिन्यू ही रखा था। तो तब से आपको शौक था साड़ी पहनने का? तब से मेरे को तैयार होने का शौक था। तो आपने साड़ी पहनना किसी से सीखा? हाँ, मैंने ये मेकअप का, हेयर का और ये साड़ी रेपिंग का कोर्स किया था। हमारे फैमिली में कुछ छोटे मोटे कुछ होता है तो मैं तैयार करती थी। मेरा काम अच्छा हो रहा था तो फैमिली में भी ऐसे ही किसने बोला कि आप कल्पना जी प्रोफेशनली थोड़ा थोड़ा चालू करो। तो ये मैं प्रोफेशन में आ गई। फिर भी मेरी पेशेंस उसमें थी, जो मैं बराबर साड़ी पहनाने लगी एकदम, और धीरे धीरे मैंने तो कुछ साड़ी का इतना वो था नहीं, फिर भी लोगों ने मुझे इसमें अपनाया। तो ये गुरु लोग तो यही सब है जिसने मेरे को अपनाया और जिसने मेरे को सिखाया, मेरे क्लाइंट की वजह से। वो आप बिलीव नहीं करें, जहाँ मैं ड्रैपिंग करने जाती हूँ, अगर मैं जाती हूँ तो सबसे हैवी साड़ी रखते हैं कि कल्पना जी आती है वही पहनेगी, क्योंकि अकेले तो हम पहन नहीं सकते। तो ये प्रोफेशन कुदरती हो गया, मैंने इसमें सोचा भी नहीं था कि मैं इसमें आ जाऊंगी। 35 ईयर्स से काम कर रही है, किस तरह का रिसर्च रहता है आपका? ये प्रैक्टिस से हुई है, इतने सारी प्रैक्टिस करती थी, सबको पहनाने जाती थी, नीट कैसे लगना चाहिए साड़ी, उसके लिए मैं ज़्यादा ही ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करती थी। और मेरे सब क्लाइंट को मैं एंटरटेन करती थी कि भाई देखो ये इस तरह का नया स्टाइल है, आप ट्राई करिए इस तरह का। इवन यंगस्टर के लिए मैं काफ़ी वो करती थी, जो उनके दिल में चाह हो जाए कि हम साड़ी पहने, आप ड्रेसेस पे पहन सकते हैं, आप कुर्ते पे साड़ी पहन सकते हैं, लहंगा पे, शॉर्ट्स पे, लेगिंग पे, शरारा, ये सब पे आप अच्छे से ड्रेप करो तो ये साड़ी धोती स्टाइल है, ये सब आप पहन सकते हो। मैंने कई यंगस्टर को ऐसा इंस्पायर भी किया और कई लोग मेरे पास पहनने भी आते हैं और दे आर एंजॉयिंग देयर कॉलेज डे। कॉलेज डे में कई लड़कियों को मैं पहनाती हूँ। मतलब आजकल तो शूज पे भी लोग साड़ी पहनते हैं और शॉर्ट पहनते हैं, शॉर्ट साड़ी मिनी सारीज दैट आल्सो दे आर वेयरिंग, तो वो भी मैं पहनाती हूँ। एवरी डे आप कैसे प्रैक्टिस करती हैं? मेरे पास मेरी डमी है जो मेरे साथ रहती है। और ये टैलेंट है, ये क्रिएटिविटी है, तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है कल्पना जी? हर तरह के क्लाइंट आते हैं तो उसमें एक चैलेंजिंग रहता है कि हम उनको साड़ी से कैसे हैप्पी कर सके। और कभी कभी आप बिलीव नहीं करेंगे, साड़ियाँ कभी कभी 10-10 किलो की साड़ियाँ होती है, सॉफ्ट साड़ीज ऑल्सो ड्रैपिंग इज वेरी डिफिकल्ट, और मोटी साड़ी को भी पहनाना इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग वर्क। प्रॉपर पिन लगाना इज ऑल्सो एन आर्ट, हाउ टू पुट द पिन। कल्पना जी, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपने वैरायटीज ऑफ साड़ी ड्रैपिंग की है, आई मीन ऑलमोस्ट 400 से ज्यादा, तो वो किस तरह से? हर तरह की साड़ी पे हम लोग चैलेंजिंग वर्क करते हैं और उसमें डिफरेंट कुछ हमारा मसाला डालने की कोशिश करते हैं। बॉलीवुड के लिए की बात करें तो आपने बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी काम किया है, तो हाउ यू डिसाइडेड टू डू इन बॉलीवुड? उसमें क्या था, मेरे लोकली क्लाइंट थे, उसमें अपनी बड़ी डिजाइनर है नीता लुल्ला, तो उसने ऑब्जर्व किया कि इतना नीटली साड़ी, दो साड़ी एक साथ पहनाई और कितनी सुंदर लग रही थी दुपट्टे के साथ। अब और बाई चांस क्या हुआ, उसका तीसरे दिन शूटिंग थी, नीता लुल्ला की कोई तीसरे दिन ही शूटिंग थी, हम दिल दे चुके सनम, उसमें ऐश्वर्या राय को पहनाना था दो साड़ी विद दुपट्टा। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस रोज रात को उसका फोन आया वो कि आपको परसों और नरसों आप 3 दिन आपको शूटिंग करना है ऐश्वर्या राय के साथ। तो वो अपॉर्चुनिटी नीता लुल्ला जी ने दी हमको। अब जब मैंने स्टार्ट किया साड़ी पहनाना धीरे 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 धीरे, दे डोंट से दे हैव ट्रस्ट कि शी विल डू प्रॉपरली, तो एक चीज भी कुछ बोले नहीं कि आपको ऐसा करना है ऐसा करना, कभी कुछ नहीं बोले। तो मैंने साड़ी पहनाया, ये पहनाया, दूसरी साड़ी पहनाई, दुपट्टा पहनाया, आप बिलीव नहीं करेंगे मेरा 30 मिनट्स के अंदर सब चीज हो गई। ऐश्वर्या का फिनिश किया तो अभी वो शी वॉज थिंकिंग कि अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा कि हो गया मेरा, क्या हो गया नीता,
see they are so professional. मतलब she was also surprised कि इतना neatly इतने जल्दी कैसे हुआ. पर that was a really two साड़ी उनके उनको पहनाना it was difficult with head cover. उसके बाद और कौन-कौन सी हीरोइन हैं जिनको आपने साड़ी पहनाई है? नहीं साड़ियाँ तो बहुत अनुष्का शर्मा है, दीपिका पादुकोण उसको मैंने 50 बार पहनाई होगी साड़ी. वाह. और कितनी बार उसको, और कटरीना कैफ, फिर कृति सनन है, सोनम कपूर है, करीना कपूर है, काफी यू नो देश माधुरी दीक्षित है, सो मेनी. तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मतलब काफी लिस्ट है बड़ी बड़ी. अच्छा, तो आगे कुछ प्लानिंग है आपका, आप अपनी अपनी बेटी के साथ मिलकर कुछ नया? मेरी बेटी अभी मेरे साथ 15 साल से. मेरे को बेटी का नाम बृंदा शाह. And she is also assisting me last 15 years, and she is also involving for draping sari, and she is doing very good. जो भी आपसे आपसे पूछता है कि मुझे साड़ी पहनना सीखना है, तो आप उन्हें सिखाती हैं? जी, सिखाती हूँ बराबर. क्या है इस बुक की खासियत अगर आप बताना चाहें? ये गाइड है, तो आप प्रॉपरली इसमें गाइड, जैसे अपन कोई गाइड होती है और अपन कैसे सीख जाता है, इस तरह का ये गाइड है जो आप इसमें बराबर मैंने सीखा है. जो बेसिक है उसमें स्टाइल, जो बेसिक स्टाइल है उसमें और दूसरे आर्ट स्टाइल मैंने बराबर सिखाई है, जो आप उसमें देख के पहन सकते हो. तो ये मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगी? सब जगह मिलती है, अमेजोन में भी मिलती है, हमारे हमारी कंपनी से क्लिप आर्ट कंपनी है, उसमें से भी मिल सकती है आपको. ये थी कल्पना शाह से मुलाकात. अब हम दूसरे पार्ट में सीखेंगे कि कैसे डमी के साथ किस तरह से वो साड़ी प्रैक्टिस करती हैं. इसके भी हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग मेथड जानने की कोशिश करेंगे उनसे. कल्पना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए. थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम. हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें.